स्त्री कॉन्क्लेव 2021 विविध क्षेत्र थी जोड़ायेली सूरत नी 200 थी पण वधु महिलाओनु महिला दिन अंतर्गत सन्मान करवामां आव्युं हतुं। स्त्री कॉन्क्लेव 2021 महिलाओए जे होय कोरोना योद्धा तरीके प्रशंसनीय कामगिरी अदा करी छे। आ महिला कोरोनाना योद्धानुं महिला दिन अंतर्गत MMA चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आजे स्त्री कॉन्क्लेव 2021 सन्मान करवामां आव्युं हतुं। आंतरराष्ट्रीय महिला दिन निमित्ते पोलीस, डॉक्टर, फेशन डिजाइनर, सामाजिक कार्यकरो सहित तमाम क्षेत्रनी 200 थी पण वधु महिलाओ जे कोरोना योद्धानुं वनिता आश्रम कैम्पसना शिवगौरी हॉलमां आयोजित कार्यक्रममां सन्मान करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे मुख्य अतिथि तरीके अभिनेत्री अदिति गोवित्रीकर, DCP विधि चौधरी अने सूरत महानगरपालिकानी गायत्रीबेन जरीवाला हाजर रह्या हता। आ बाबते वधु माहिती अभिनेत्री अदिति गोवित्रीकर अने आयोजक हेमा देसाईए एबी न्यूज चैनल ने आपी हती। स्त्री कॉन्क्लेव ये एक 2021 ये सेकंड सीजन है और इस साल कई सारी महिलाओं का फेलिसिटेशन फंक्शन आज शिव गौरी हॉल वनिता विश्राम के कैंपस में आयोजित किया गया। यहाँ पे एक खास मेहमान है, उनसे हम इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर हमारे साथ एक मौजूद हैं जो एक साइकोलॉजी में मास्टर, डबल मास्टर डिग्री कह सकते हैं, वो किए गए हैं जी। आज आप यहाँ पे स्त्री कॉन्क्लेव 2021 में मौजूद है, कैसा लगा इतनी सारी महिला एक ही स्टेज पे मौजूद है? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैंने सुनी, जो लोगों ने काम किया है और हेमा जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि होलिस्टिकली जो क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि डॉक्टर्स को इतना महत्व नहीं दिया गया है। रीसेंट पास में बहुत सारा इशूज़ खड़े हो गए थे, लेकिन कोविड के वजह से आंखें भी खुल गई और हेमा जी ने उनको सम्मानित भी किया कि जितनी मेहनत डॉक्टरों ने की है वो एक बहुत अच्छी बात की इन्होंने। इसके अलावा ऑफ कोर्स पुलिस फोर्स तो हमारे लिए बहुत, मतलब विदाउट देम वी कांट सर्वाइव, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भी बहुत दिन रात मेहनत की, ये महिलाएँ हैं, घर का काम संभाल के फिर उन्होंने ये सब काम किया है। सो हैट्स ऑफ हेमा जी एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द वेमेन हु वन टुडे। जी, डॉक्टर्स का खूब इसमें रोल बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले किया गया है कोरोना में जो महामारी थी, तो आगे भी महिला को कितना सम्मान की ज़रूरत है, ये वुमेंस डे सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, डेली ऐसे सेलिब्रेशन होना चाहिए, इस बारे में क्या कहें? डेफिनेटली हर रोज़ ही वुमेंस डे सेलिब्रेट होना चाहिए, लेकिन हाँ एक क्या होता है कि इसकी तरफ अवेयरनेस लाने के लिए, मीडिया का ध्यान लाने के लिए, लोगों का ध्यान लाने के लिए एक दिन चुनना ज़रूरी है जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि हाँ महिलाएं हैं, ये स्पेशल दिन है, इसका मतलब है बाकी 364 डेज भी उतना ही सेलिब्रेट करते रहिए। जी, अपने साथ मौजूद जो आयोजक है हेमा देसाई, अपनी साथ बात करूँ, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था क्या कहेंगे उस पर? एक्चुअली ये जो मैंने किया है मुझे तो ऐसा लगता है बहुत छोटा ही है, एंड जैसे कि सही बात है वुमेंस डे तो रोज़ ही मनाना चाहिए, बट हाँ इट्स नॉट पॉसिबल तो हम किसी एक दिन को चुन लेते हैं, एंड मैंने जो मेरे से जो बन पड़ा है मैंने किया है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड द पीपल आर हैप्पी फॉर देट। तो दर्शक मित्रों ने बात करी डॉक्टर अदिति जे एक्टर्स छे, टेलिविजन एक्ट्रेस छे, ने हेमा देसाई जे आयोजक छे, जे खूब सरस रीते महिलाओं ने प्रेरित करी रिया छे आगळना समय माटे। आ हती आजनी रिपोर्ट, कैमरामैन राजेश बकियानी साथे हूँ निकिता, एबी न्यूज़ सूरत।